शिवपुरी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और ऐसे में आम जनता जनप्रतिनिधियों पर अपना गुस्सा उतार रही है। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा से सामने आया है, जहां कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को किसी युवक ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी। विधायक ने इस मामले की शिकायत कोलारस पुलिस से की है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख प्रभारी मंत्री ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का कहना है कि 12 अप्रैल को जब वे कोलारस विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, उसी समय रात 8 बजे युवक ने फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए टुकड़े टुकड़े करने की बात कही। उन्होंने कहा यह चुनावी साल है, ऐसे में कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। वहीं प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का काम है और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उसकी गंभीरता से जांच चल रही है और जो भी कल्प्रिट होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता ये जिस तरीके संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को धमकी दी जा रही है, इससे क्या आम जन सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है कि नहीं कर रही? ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिनको मैं कह सकता हूँ कि फ्रस्ट्रेटेड, जो फ्रस्ट्रेशन से मैं हैं और कुछ मानसिक रोगी भी इस तरीके के हैं जो देखे जा रहे हैं, उनके माध्यम से सख्ती से कार्रवाई करेगी। वहीं एसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और मोबाइल नंबर ट्रैक कर लिया गया है। यह मोबाइल नंबर किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है और यह नंबर आरोन इलाके का है। हालांकि पुलिस साइबर सेल की मदद से जल्द आरोपी तक पहुंचने की बात कह रही है। 12 तारीख को रात 8:22 पर मैं श्री गोकुलधाम आदर्श गौशाला पर था, एक अजनबी अननोन फोन आया कि आप विधायक कोलारस वीरेंद्र रघुवंशी बोल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे यहाँ भरनी थी, मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। इसके तत्काल पश्चात अश्लील गालियाँ देते हुए उस व्यक्ति ने लगातार बार बार कहा कि मेरे क्षेत्र में आना, मेरे गांव में आना, टुकड़े कर दूंगा, इतने के गिन नहीं पाओगे। मैं हतप्रद रह गया, मैंने ये क्या विषय है। मैंने कहा भैया अपना नाम पता बता दो, मैं कल ही आ जाता हूँ। और वो फिर अपना जो उसको करना था बदतमीजी और गालियाँ वो देता रहा, बार बार धमकी देता रहा। फ़ोन काटने के बाद फिर मैंने एक बार उसको फ़ोन लगाया तो उसने सेकंड के लिए उठाया, फिर 2-3 गाली देते हुए, धमकी देते हुए फिर काट दिया। तत्काल मैंने TI कोलारस को फ़ोन किया कि इस तरह का फ़ोन आया है। रात को ही 8:30 पर TI ने भी फ़ोन लगाया तो वो तब उस क्षण से लेके आज तक 4 दिन से फ़ोन बंद है। मैंने जानकारी ली, प्रशासन से आवेदन दे दिया था मैंने कि जांच करें, दोषी पर कार्रवाई करें। इस तरह से जनप्रतिनिधि को अपमानित करना और जान से मारने की धमकी देना, ये छूट नहीं दी जा सकती। तो TI पुलिस प्रशासन उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कल उन्होंने FIR भी प्राथमिक जांच करके की है। अभी फिलहाल जो बताया कि किसी महिला के नाम से वो कनेक्शन है, आरोन रावगढ़ साइड का कोई एड्रेस उस पर है और साइबर सेल पर शायद नंबर पुलिस ने डाला है। आपको क्या लगता है, क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है या मुझे क्या? कुछ लगता नहीं ऐसा। कभी 4.5 साल के सेवा काल में किसी ने कभी कोई बदतमीजी से बात करने की तक कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं तो सदैव से जनसेवक हूँ, आगे भी जनसेवा करना है, किसी के प्रति कोई द्वेषपूर्ण कार्रवाई करता नहीं हूँ। मैं खुद हतप्रद हूँ कि इस तरह के क्या षड्यंत्र हैं और ये चुनावी वर्ष है, तरह तरह की कठिनाइयों से हमें सामना करना पड़ेगा। इस कारण से मैंने फिर पुलिस को कंप्लेंट की कि चुनावी वर्ष में कोई नई नई चीज़ें आएँ उसके पहले इन पर विराम लगना चाहिए। मेरा यही पुलिस प्रशासन से आग्रह भी है कि उसको ढूंढ करके सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और उसमें क्या जांच की जा रही है? उसकी जांच की जा रही है, जो सही उसकी जो ऑडियो है उसी की है, नहीं इसकी जांच करती कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई कॉल नंबर ट्रेस हुआ है? हाँ है। थैंक यू सर। शिवपुरी से राकेश भोज, सागर TV न्यूज़।